दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है बीएड करने वालों के लिए खुशखबरी। बिल्कुल आज की अपडेट्स में मैं आपसे बात करूंगा। आप सभी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यह सुनाई पड़ रहा था कि आगामी जो आपका बीएड होगा वह एक वर्ष का कर दिया जाएगा। अभी वर्तमान समय की हम आपसे बात करें तो जो आपका बीएड का कोर्स रखा गया है वह दो वर्षीय कोर्स रखा गया है, यानी बीएड का जो पाठ्यक्रम है आपका दो वर्ष तक चलता है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीएड को एक साल करने का जिक्र किया गया था, तो कहीं ना कहीं एक वर्ष के बीएड को लेकर एक अपडेट निकल कर आ रही है। आप सभी को इस अपडेट को मैं वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करूंगा। देख पा रहे हैं बीएड हो गया एक वर्ष का, बिल्कुल कहीं ना कहीं आज की अपडेट जो है वह कहीं ना कहीं इंगित कर रही है एक वर्ष के बीएड के पाठ्यक्रम को लेकर। ठीक है, अगला आप देख पा रहे हैं लगातार आपके इस तरह के कॉमेंट्स आ रहे थे कि भैया अगर एक वर्ष का बीएड हो रहा है तो एक वर्षीय बीएड के लिए हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, और नीचे आप देख पा रहे हैं 1 to 12 के लिए एक वर्षीय बीएड। बिल्कुल अगर बात करें हम अभी तक की, आप जान पा रहे हैं कि बीएड का जो पाठ्यक्रम है वह फिलहाल के लिए 1 से 12 तक के लिए वैलिड है। आप देख पा रहे हैं 1 से 5 तक भी बन रहे हैं शिक्षक, और जो है मीन्स कहा जाए इंटरमीडिएट तक के शिक्षक जो है बीएड के लिए बन रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बीएड बनाम बीएसटीसी केस चल रहा है जिसमें जो है बीएड को प्राथमिक से बाहर करने की बात कही जा रही है। लेकिन अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक वर्षीय बीएड लागू होता है तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें खत्म हो जाएंगी कि जो प्राथमिक से विद्या बाहर निकालने की बात कही जा रही है, ये तो झंझट खत्म हो जाएगा, ये तो सत्य है। नीचे आप एक वर्षीय बीएड संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां, इन सभी मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम सबसे पहले आपको उस अपडेट से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं जो अपडेट निकल कर आ रही है। देखिए आपके समक्ष अपडेट लगा है, आप देख पा रहे हैं इसके अंतर्गत आपसे कहा जा रहा है कि एक वर्षीय बीएड कोर्स से 12वीं तक पढ़ाने योग्य बनेंगे विद्यार्थी। इसके अंतर्गत आपसे कहा जा रहा है कि नर्सरी से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेशनल टीचर्स फॉर काउंसिल एजुकेशन NCTE की ओर से गठित कमेटी ने एक वर्षीय बीएड का जो पाठ्यक्रम तैयार किया है उसमें इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। 2 सेमेस्टर के इस कोर्स को फाउंडेशनल जो है प्रिपरेटरी मिडिल व सेकेंडरी स्तर तक शिक्षक पढ़ाने के लिए तैयार हो सकेंगे। इससे उन्हें विभिन्न स्तर पर नौकरी के लिए भी अवसर प्राप्त होंगे। यही नहीं, पाठ्यक्रम सामग्री में जीवन कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ विद्यार्थियों को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में पढ़ाया जाएगा। जल्द ही विशेषज्ञ की कमेटी के साथ तैयार किए गए पाठ्यक्रम के पहले ड्राफ्ट के साथ राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में चर्चा होगी। इससे इसमें जो सुझाव आएंगे कमेटी इसमें अपडेट करेगी। फाइनल होने के बाद NCTE देश भर में इसे लागू करेगी। दरअसल NCTE ने बीते जुलाई वर्ष में नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक वर्षीय बीएड प्रोग्राम तैयार करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय, आप देख पा रहे हैं कि डीन एजुकेशनल प्रोफेसर तृप्ति त्रिवेदी की निगरानी में 8 सदस्यीय कमेटी बनाएगी जिसमें तमिलनाडु ये सारे नाम आप देख पा रहे हैं। ये होगा खास, यहां से आप देखेंगे इस एक वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए आपका खास क्या होने वाला है। देखिए यहां से आपसे कहा जा रहा है कि डीन एजुकेशन प्रोफेसर तृप्ति त्रिवेदी ने बताया कि एक वर्षीय जो है एक साल के बीएड प्रोग्राम का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। 2 सेमेस्टर के कोर्स में कुछ खास चीज़ें शामिल की गई हैं। अब इन्हें इलेक्ट्रिक पेपर के रूप में जो है इलेक्टिव पेपर के रूप में विकल्प मिलेंगे जो विशेष शिक्षक बनने में मदद करेंगे। अब प्राइमरी जूनियर और माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए अलग अलग प्रशिक्षण होता था। अभी वर्तमान समय में एक वर्षीय कोर्स से नर्सरी से जो है 12 तक पढ़ाने की तकनीकी शामिल की गई है ताकि हर स्तर के शिक्षक तैयार हो सकें और नौकरी के अवसर मिल सकें। उन्होंने बताया कि कोर्स में छात्रों का अनुभवात्मक शिक्षण पर फोकस किया गया है। फिलहाल कोर्स के पहले ड्राफ्ट पर चर्चा के बाद बदलाव के सुझाव आएंगे, उसे भी शामिल किया जाएगा। आपने इसे देखा, इसमें आपसे स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि आपका जो एक वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम होगा भैया उसमें 2 सेमेस्टर आपके कराए जाएंगे। 2 सेमेस्टर में आपका एक वर्षीय
बीएड को फिनिश किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक वर्षीय बीएड के लिए जो क्वालिफिकेशन आपकी कही जा रही है, बिल्कुल अभी जो आपने अपडेट देखा उसमें क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ा है उसके तहत अगर हम बात करें तो जो बीएड का एक वर्षीय पाठ्यक्रम होगा वह आपके पीजी डिग्री के बाद होगा। अगर आप पीजी डिग्री हैं, ठीक है, पीजी मींस एमए एमएससी अगर आप हैं, तो बिल्कुल आप सभी के लिए जो बीएड का पाठ्यक्रम है वह नेक्स्ट अगले वर्ष एक वर्ष के होने की उम्मीद है आप लोगों के समक्ष जताई जा रही है। फीस वगैरह की अगर हम बात करें तो भैया जाहिर सी बात है अभी तक आप दो वर्ष की जो फीस देते थे आपका एक वर्ष की एक कहीं ना कहीं एक वर्ष का बचत भी होगा और एक वर्ष की जो फीसें इत्यादि कॉलेज वाले लेते थे उन सभी चीज़ें आपकी बचत हो जाएंगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल धैर्य रखें, आने वाले समय में उम्मीद है कि अगले सत्र से, फिलहाल यह सत्र तो एक वर्ष का नहीं होगा ये तो सत्य है, लेकिन अगला सत्र जो आपका होगा आप लोगों के समक्ष एक वर्षीय बीएड होने की पूरी पूरी संभावनाएँ जताई जा रही हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी, हमने सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया, जो भी अगर आपको समस्या है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।